नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गिव अवे का रिजल्ट कैसे निकालते हैं। जी दोस्तों, आपने अक्सर बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा, यूट्यूबर की कोई लोग बोलते हैं कि हम जो ईयरफोन गिव अवे में दे रहे हैं या फिर मोबाइल गिव अवे में दे रहे हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेट अगर आपने कर लिया है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपका यूट्यूब चैनल और आप जो है गिव अवे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे को मालूम नहीं है कि गिव अवे का रिजल्ट कैसे निकालें, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यह आपको बहुत ही जानना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गिव अवे का रिजल्ट निकालने के लिए हमारे को बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है गूगल पर। तो सबसे पहले जो जैसे कि मैं अभी गिव अवे करने वाला हूँ, तो मैं अभी जो है अपने वीडियो में बता दूंगा कि मैं गिव अवे में रुपए दूंगा या फिर कोई भी वस्तु का नाम बता दूंगा कि ये वस्तु आपको गिव अवे में दूंगा। आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कुछ भी, जैसे कि गुड नाइस ऐसा कुछ लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना है, ऐसे मैं बोल दूंगा। तो सारे लोग हैं जो जिसको जिसको पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा लेना है उसमें जो है गिव अवे में, तो वो जो है लाइक भी कर देगा और कमेंट भी कर देगा। उसके बाद दोस्तों वो जो यूट्यूबर है, जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैंने गिव अवे कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं क्या करूँगा कि पार्टिसिपेट तो कर लिया बहुत सारे लोगों ने और लाइक भी कर दिया वीडियो को और कमेंट भी कर दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा गूगल पर, और गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट होती है तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में नेट ऑन कर लिया है और अब मैं अपने मोबाइल में जो है क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और फिर हमारे को सर्च का ऑप्शन मिलता है। तो इधर मैं दोस्तों मैं लिख देता हूँ यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर, ये मैंने लिख कर ऐसा सर्च किया। तो इधर दोस्तों हमारे को बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है रैंडम कमेंट सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं अभी दोस्तों इस वेबसाइट को यूज़ करने वाला हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इस पर हम क्लिक करेंगे तो इधर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो इधर दोस्तों ये ऑप्शन आ चुका है यूट्यूब वीडियो URL डालने का, तो हमारे को दोस्तों उस वीडियो का URL इधर डाल देना है जिसमें हमने जो है गिव अवे किया है। जैसे कि मैं अभी जो है अपने चैनल पर जाता हूँ और इधर से कोई भी एक ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियो को सेलेक्ट कर देता हूँ आपके सामने ही, और फिर हम उसका जो है कमेंट पिक करेंगे। तो मैं इधर जो सुपर टेक्निकल अशोक चैनल सर्च कर दिया और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और वीडियोज़ पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं शॉर्ट बाय पर क्लिक करके मोस्ट पॉपुलर पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा दोस्तों ज़्यादा व्यूज़ वाला ये वीडियो है, जो इसका जो मैं लिंक का है जो कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये शेयर पर क्लिक किया और कॉपी लिंक पर क्लिक किया। इसमें मैंने गिव अवे किया नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मैंने लिंक है जो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट पर क्लिक किया तो लिंक पेस्ट हो चुका है। और नीचे हमारे को तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो है फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र, तो इस पर राइट का टिक लिया हुआ ऐसे ही है, मतलब कि डुप्लीकेट कोई यूज़र हुआ तो वो फिल्टर हो जाएगा। और दूसरा है फिल्टर कमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टेक्स्ट, तो ये हमारे को नहीं करना है क्योंकि कैसे भी टेक्स्ट में वो लिख सकता है कमेंट लिखने वाला। और ऐड एक्स्ट्रा एंट्रीज, तो वो भी ऐसे नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। तो अब मैं जो गेट यूट्यूब कमेंट इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो लोडिंग दे रहा है, ये दोस्तों आ चुका है। तो लिखा हुआ अमाउंट ऑफ यूनिक कमेंटर्स 37, मतलब 37 लोगों ने यूनिक कमेंट किया है। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि ये 37 कमेंट आ चुका है, इसमें से हमारे को जो है एक रैंडम कमेंट सेलेक्ट करना है विनर के लिए। तो हमारे को क्या करना है कि अभी स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो कमेंट है जो ऐसे लोडिंग लेंगे और एक कमेंट है जो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक कमेंट सेलेक्ट हो चुका है, ज़ारा डेस्टिनी, इसने उन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच सर, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है ऐसे जो है हम जो विनर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है गिव अवे का कौन विजेता है। तो इधर से अब दोस्तों बात आती है कि इससे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है विनर से। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों या तो हम जो अगर इस पर क्लिक करेंगे जैसे कमेंट करने वाले के नाम पर, तो हमारे सामने यूट्यूब ओपन हो जाएगा या फिर YouTube की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने अभी जो है मेरे सामने तो अभी वेबसाइट ओपन हुई है। तो इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका ना तो YouTube चैनल है और ना ही इसका जो है कोई जीमेल आईडी दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका YouTube चैनल होता तो इधर हमारे को जीमेल आईडी मिल जाती और उस पर हम कॉन्टैक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसका अभी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे को जब हम गिव अवे करते हैं तो उस टाइम बोला जाता है कि इतने तारीख को गिव अवे का जो रिजल्ट निकाला जाएगा। तो जो भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं गिव अवे में, तो वो जो ध्यान रखते हैं कि ऐसी इतनी तारीख को इधर जो है इसका रिजल्ट निकाला जाएगा, तो वो तैयार रहते हैं और वो कमेंट कर देते हैं वीडियो में देखकर। और फिर भी विनर से अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो उसका जो कमेंट होता है उसका कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है कि आप विनर हो चुके हैं इस गिव अवे के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नई नॉलेज और जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।